हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु जी एग्जाम सेंटर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। यहाँ पर नियुक्ति संबंधित और उसके हटने संबंधित आपके आर्टिकल को पूछा है और यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अनुच्छेद 74 क्या है, तो याद रखिए कि जो अनुच्छेद 74 है वो जो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, ठीक है, आपके राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, और उसका मुख्य जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये आपके आर्टिकल 74 में आपका दिया गया है, बल्कि नियुक्ति और हटने वाली प्रक्रिया आपको किसमें, अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है अगर उसे मंत्री पद दे दिया गया है तो उसे 6 माह के अंदर या तो किसी भी सदन का सदस्य बन जाए, और अगर नहीं बन पाता है तो 6 माह के अंदर उसे हटना पड़ेगा मंत्री पद से। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न से किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है याद रखिएगा वो आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान में मंत्रिपरिषद का एक ही बार प्रयोग हुआ है और ये जो प्रयोग हुआ है ये आपके आर्टिकल अनुच्छेद जो आपका दिया है आपके 74 में, ठीक है, आर्टिकल 74 में सिर्फ एक ही बार प्रयोग हुआ है। अगला है कैबिनेट का तात्पर्य क्या है, कैबिनेट, तो कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है, जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आपका बी नंबर हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। याद रखिए मंत्रीगण जो होते हैं उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होते हैं, ठीक है, और स्वतंत्र प्रभार के भी मंत्री होते हैं और उपमंत्री भी होते हैं। तो यहाँ पर जो कैबिनेट होते हैं वो कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए यहाँ पर आपके ये कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को, यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री को, तो भाई दिया है कि लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, तो क्या लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, नहीं, संसद के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं, यहाँ पर देखो लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है, अर्थात जब लोकसभा में आपके जब बहुमत प्राप्त हो जाता है तो बहुमत प्राप्त होने के बाद जो राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्त करते हैं। आप समझ में आए ना कि बहुमत प्राप्त पार्टी को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, समझ में आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। इस पर मत लगा दीजिए क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, तो नियुक्त नहीं होता है, जो बहुमत प्राप्त हो जाता है बहुमत प्राप्त होने के बाद नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो बहुमत प्राप्त वाला ऑप्शन लगाना डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी। यहाँ पर ऐसे प्रधानमंत्री का नाम पता पूछा गया है जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई थी 11 जनवरी 1966 को, ठीक है, 11 जनवरी 1966 को हुई थी, कहाँ पर, ताशकंद में हुई थी, ठीक है, ताशकंद में हुई थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। यहाँ पर पूछा है कानून मंत्री, यहाँ पर बताइए भाई कानून मंत्री कौन था,
तो यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री जो थे वो आपके बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे आपके? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बलदेव जो थे ये आपके रक्षा मंत्री थे, ठीक है, लेकिन कानून मंत्री कौन थे? तो आपके बी आर अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? चलिए यहां पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर आपका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहां पर सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष होता है। ठीक है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति दिए हैं और उनसे संबंधित आपके समाधि स्थल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो जेएल नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू जो हैं, तो जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल आपके शांतिवन में है जो कि सही है। एलबी शास्त्री इनका आपका विजय घाट में है। इंदिरा गांधी इनका शक्ति स्थल में है। राजीव गांधी की जो समाधि है वो है आपकी है वीरभूमि। ठीक है, कहाँ पर है? वीरभूमि है, याद रखिएगा वीरभूमि। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर गलत आपका कौन हुआ? आपका डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर श्वेत पत्र। ठीक है, कौन सा पत्र आपका? तो श्वेत पत्र होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित हैं, राज्यपाल से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखिएगा आर्टिकल आपका 201 होता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? 201 होता है, लेकिन 2020 में पेपर हुआ है तो वो आपके आर्टिकल 200 को माना गया है। ठीक है, ये वाला आपका है, ऑप्शन में वैसे भी नहीं है, तो आपका जवाब आपका क्या होगा? आपका यहाँ पर बी नंबर 99% आपका जो आंसर होता है आपका यही होता है। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा 200। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल की बात कह रहा है राष्ट्रपति की नहीं, तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो 213 आर्टिकल के तहत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद अर्थात यहाँ पर राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आपके किस आर्टिकल के तहत होती है? चलिए इसका जवाब देना है सभी को, और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्ति होती है, नियुक्ति की बात कह रहा है। अगला है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, तो देखो मुख्यमंत्री की करता है ना, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की इसकी भी करता है, राज्य के महान्यायवादी की भी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल नहीं करता है बल्कि आपके राष्ट्रपति करते हैं। यही एक क्वेश्चन दमदार होता है कि जो राज्य से संबंधित होते हुए भी आपके यहाँ पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर राज्य सरकार का, ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक जो प्रमुख है वो आपका होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पहले का बना था, बल्कि 370 हटने के बाद भी वही सिस्टम है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भी करता है, हर करता है ना हर राज्यों में, तो यहाँ भी आप आंसर क्या होगा? तो आपके भारत के राष्ट्रपति तो होगा ना,
पहले भी राष्ट्रपति करते थे, अब भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो ये आपको कोई चेंजमेंट नहीं है, आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, और ये जो दिए जाते हैं वो आपके राज्य की जो आपकी संचित निधि होती है अर्थात कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यहाँ पर जवाब आपका सेवन का हो जाएगा, ए नंबर अर्थात राज्य की संचित निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, तो यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति की इच्छा तक, और याद रखिए राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रह सकते हैं वो आपके होते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल को महाभियोग से नहीं हटाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि महाभियोग से किसे नहीं हटा सकते, तो आपके राज्यपाल को महाभियोग से नहीं हटा सकते हैं, इनको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी, तो भारत की किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल जो बनी थी वो थी ऑप्शन राइट यहाँ पर नाइन का हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी नायडू थी, और ये आपके कहाँ से थे तो आपके कह सकते हैं कहाँ पर बनी थी, तो आपकी यूपी में ही बनी थी। अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो आपके हैं मुख्यमंत्री से एवं कह सकते हैं आपके विधानमंडल से। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या नहीं थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु दिया है, और जिस प्रकार से आपने पढ़ा था लोकसभा में 25 वर्ष होती है और राज्यसभा लोगों की वहाँ पर 30 वर्ष होती है, इसी प्रकार यहाँ पर विधानसभा में 25 वर्ष होती है और विधान परिषद में 30 वर्ष होती है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई भी राज्य की विधानसभा अगर है और होती है तो वहाँ पर जो अधिकतम आपके सदस्य हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, तो याद रखिएगा अधिकतम सदस्य आपके हो सकते हैं 500, कितने हो सकते हैं 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम आपके 60 हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम 60 हो सकते हैं, लेकिन अपवाद में कई आपके ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आपके 40 ही हैं। ठीक है, वैसे आपके न्यूनतम कितने हैं 60 होता है हो सकते हैं। अगला है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है, आपके 7 राज्यों में थी। ठीक है, फिर इसके बाद आपके उड़ीसा को भी मिल गई थी मान्यता तो 8 हो गई थी, इस प्रकार से आप जम्मू कश्मीर जो आपका 370 के बाद वहाँ से हट गया, जिसके बाद फिर से 7 बची, तो यहाँ पर आपके कहाँ पर, तो 3 का ऑप्शन राइट आपका जो जवाब हो जाएगा सही क्या हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, राजस्थान में यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र देगा, अगर कोई विधानसभा का अध्यक्ष है स्पीकर है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो वो आपके उपाध्यक्ष को देगा, जिस प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है उसी प्रकार विधानसभा का अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य अर्थात कॉमन सिविल कोड लागू है, कॉमन सिविल कोड मतलब कह सकते हैं कि यहां पर नागरिक संहिता होती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जिसे बोलते हैं समान नागरिक संहिता, जो कि आपके संविधान में आर्टिकल आपका 44 के अंतर्गत आपका ये वो आपको मिलने पड़ेगा कि जो धर्म होता है। ठीक है, मतलब किसी भी देश अर्थात कह सकते हैं जो भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना, वो आपका एक राज्य है आपका गोवा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी धर्म हो सभी के लिए सिर्फ सबके लिए एक ही समान का क्या है कानून है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, राज्य में धन विधेयक अर्थात मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य में धन विधेयक जो आपका प्रस्तुत करते हैं वो आपके कहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, तो याद रखिएगा कि राज्य में अगर धन विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो केवल विधानसभा में ही किया जाता है। ठीक है, 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ए नंबर आपके कहाँ पर, तो आपके केवल विधानसभा में ही किया जाता है। ठीक है,
जिस प्रकार से वहां पर लोकसभा, उसी प्रकार से यहां पर विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की विधानसभा के सत्र अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। सत्र अवसान मतलब कह सकते हैं जब सत्र खत्म होता है, जिसे कह सकते हैं ना कि उसे भंग कर सकते हैं। तो राज्य की विधानसभा के सत्र अवसान का आदेश जो दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, जिस प्रकार से लोकसभा में राष्ट्रपति, उसी प्रकार से यहां पर राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर, तो यहां पर देख सकते हैं कि कोई भी धन विधेयक है पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसकी संस्तुति पर, तो ये आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति। कोई भी विधेयक देखो पारित होता है, लेकिन सिग्नेचर तो चाहिए ना, इस प्रकार से वहां पर राष्ट्रपति लोकसभा में करते हैं, है ना, इसी प्रकार यहां पर विधानसभा में आपके राज्यपाल को होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहां पर लोकसभा पढ़े थे, राज्यसभा, तो दोनों आपकी सेम है, जो कि विधानसभा और विधान परिषद, तो यहां पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो यहाँ पर किस राज्य में, तो यहाँ पर कह सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ से थी, आपके उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। देखो यहाँ पर आपका दिया है वर्तमान। ठीक है, तो देखो पहले क्या हुआ करता था कि पहले 30 हुआ करते थे प्लस 1 बराबर 31 होते थे, लेकिन 3 को और बढ़ा दिया गया है और 3 लोगों के और बढ़ जाने के कारण अब संख्या आपकी हो गई है 34। तो ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको पत्र लिखेगा। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, राष्ट्रपति को लिखेगा। ठीक है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है वो अपना जो त्याग पत्र देना चाहता है तो आपके राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर देख सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन कह सकते हैं कि परामर्श लेते हैं। परामर्श किससे लेते हैं, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, और ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके हैं। यहाँ पर आपका 4 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, अर्थात कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कितने उम्र तक ये लोग सेवा कर सकते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, तो यहाँ पर वेतन का जो निर्धारण होता है वो आपके संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए।
अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी अगर न्यायाधीश है और वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसे हाई कोर्ट में कितने दिनों तक यहाँ पर कह सकते हैं वकील या कह सकते हैं एडवोकेट होना आवश्यक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर वो हाई कोर्ट में 10 साल तक सेवा देता है एडवोकेट के रूप में, तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। या कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में अगर 5 साल तक वो जज के पद पर रहता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। दोनों ही पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, संविधान, भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पर खाली स्थान बनना है, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर भी आपका महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। ये प्रक्रिया जो कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदन से अगर 2/3 पारित हो जाता है तो उसे महाभियोग आपका बोला जाता है, ठीक है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर भी लगती है, ठीक है, ये 2/3 जो 3 प्रक्रिया इसे महाभियोग कहते हैं, इसमें से दोनों सदन को देना पड़ता है, और आपके नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ऐसे कई पद हैं जहाँ पर आपके ये पद आपको कह सकती है महाभियोग शब्द दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करता है ये आपका कौन है? तो याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट जो आपका है वो 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना इसका कर्तव्य है आपके सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो ये अधिकार दिया गया है किसको? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, देखिए राष्ट्रपति को तो है ही, है ना, साथ में आपकी किसी भी उच्च न्यायालय को है, तो यहाँ पर आपका बी और सी आपका दोनों हो जाएगा। वैक्सी एग्जामों में ऑप्शन आपको इसे नहीं दिया जाता है, ठीक है, तब आपको डायरेक्ट आपको राष्ट्रपति लगाना पड़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी और सी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई होगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्यवाही होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में होती है, अर्थात अंग्रेजी भाषा में होती है, और ये किस कानून के अंतर्गत ये आपका नीत है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 145 के द्वारा, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका की शुरुआत जो की गई वो आपकी किसके द्वारा की गई? तो संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, इन तीनों में कोई ऐसा आप नहीं है जो जनहित याचिका आपकी हो गई, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश कौन है? लोकहितवाद अर्थात जो मुकदमे हैं इनके संकल्प की जो ली गई है वो आपकी USA से ली गई है, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्ति आयु बताइए, सॉरी यहाँ पर उच्च न्यायालय है अर्थात हाई कोर्ट की बात कह रहा है, और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति की जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो आपकी कितनी होती है? 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष होती है। एक संशोधन कराया गया था जिसमें कहा गया था कि उनकी भी 65 वर्ष कर दी जाए, लेकिन वो संशोधन आपका पास नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है या आपकी याचिका कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये आपका हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो आपके कहाँ से दिए जाते हैं, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट आपके वर्तमान में कितने हैं, 25 हैं, ठीक है, जो कि राज्य में होते हैं, अर्थात इनके वेतन भत्ते आपके राज्य की समय कितने अर्थात राज्य की संचितने से आपके दिए जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, कार्यवाही लंबित होने की दशा में आपकी जो रिट प्रयोग की जाती है ये रिट आपकी कौन सी है, तो इस रिट का नाम है उत्प्रेषण, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, उच्च न्यायालय की परमादेश एक ये भी रिट होती है और इसे जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर बीस को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देता है वो किसको देता है, तो याद रखिए उच्च न्यायालय होते तो हाई कोर्ट में हैं लेकिन नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं, और जो नियुक्ति करेगा त्यागपत्र आपको उसी को देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय जिसे बोलते हैं मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है मोबाइल कोर्ट, और यहाँ पर आपका जवाब 22 को ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा न्यायमूर्ति भगवती, ठीक है, इनकी देन है कि मोबाइल कोर्ट, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, और इसके आंसर के साथ में है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपको कह सकते हैं निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन बनेंगे, मिलते हैं नए वीडियो में, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप जोड़ेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा और ज़्यादा क्लासेस देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, धन्यवाद सभी को।